हरियाणा के गन्नौर में बीजेपी के सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बीजेपी युवा नेता रणवीर छिकारा के कार्यालय में शिरकत की, जहां पर तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा की गई। राजकुमार चाहर ने बताया कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। ये भारत सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। इससे खेती को आधुनिक तरीके से किया जाएगा, जिससे कि किसान की उपज बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग भोले भोले किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किसानों को गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। इस मौके पर युवा भाजपा नेता रणवीर छिकारा ने राजकुमार चाहर का फूल और माला पहनाकर स्वागत किया। सर बताइए, जैसे आज युवा होने के नाते आप भारतीय किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज के परिवेश में खेती किसानी को उन्नत तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का आज समय है। पुराने तरीके से खेती को छोड़ करके नए तरीके से खेती करेंगे तो किसान ज़्यादा लाभान्वित होंगे, और सरकार ने जो बिल लेके आए हैं वो इसीलिए लेके आए हैं कि ताकि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। अलग अलग तरीके की, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उससे किसानों की आय बढ़ेगी। उसके बाद जो भी नए जड़ी बूटियाँ हैं, सफ़ेद मूसली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिनकी तरफ किसानों का आज, युवा किसानों का रुझान है, और वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं और खेती की तरफ युवा अग्रसर आज हो रहा है। किसान का जो आने वाली पीढ़ी है, नौजवान, वो खेती से जुड़कर लाभ कमाए, ये प्रयास चल रहा है। और कुछ लोग हठधर्मिता अपना रहे हैं, किसानों को गलत बातें बता रहे हैं, और अब देश का किसान इस बात को समझ भी गया है। तनातनी कोई नहीं है, सरकार तो किसानों के हित के लिए काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वो किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।